कैसे हैं आप सब दोस्तों। बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर वो चाहे इंसान के हो या जानवरों के। कई लोगों का तो ये मानना है कि इंसान के बच्चों से कई ज्यादा खूबसूरत जानवरों के बच्चे होते हैं। वाकई में कई जानवरों के बच्चे बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर ये बच्चे एक दिन बड़े होकर इतने बड़े जानवर में बदल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि जब जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उस समय उनका बच्चा कैसा दिखता है। दोस्तों, क्या आपको पांडा के बारे में पता है? नहीं है तो बता दूं, ये जीव सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं और देखकर लगेगा नहीं कि चीन देश से बिलोंग रखते हैं, क्योंकि ये सुंदर जो होते हैं दिखने में। इनका वजन होता है तकरीबन 80 से 100 किलो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चों का वजन होता है 200 से 300 ग्राम। दोस्तों, इनका बच्चा बहुत कमजोर होता है और कई लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश भी की है कि आखिर बड़े से पांडा का बच्चा इतना कमजोर क्यों पैदा होता है। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि ये बच्चे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसी कारण आज पांडा का अस्तित्व खतरे में है। दोस्तों, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पांडा ज्यादातर जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं पांडा अपने बच्चों को किस तरह से प्यार देने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे पूरी कोशिश कर रही है कि इनके बच्चे जिंदा बच जाएं। दोस्तों, माँ के लिए वो पल बेहद सुंदर होता है जब उसका बच्चा उसकी गोद में हो। टर्टल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टर्टल यानी कछुआ। कछुए जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे जन्म देते हैं? इनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो कैसे लगते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कछुआ 3 से 4 साल में एक ही बार अपने बच्चे को जन्म देती है। ये कछुए रहते तो है समुन्द्र में, पर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं रेत में। जी हाँ दोस्तों, वो भी जहाँ एकदम शांति हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। ये अंडे कर उसे रात में छिपा देते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने में अंडे से बच्चे बाहर निकलकर आते हैं और वो खुद ही समुद्र की तरफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके लिए जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ये बच्चे समुद्र की तरफ निकलते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे पक्षियों के शिकार बन जाते हैं। जो बच्चे बचकर समुद्र में चले जाते हैं उनको मछलियाँ खा जाती है, इनमें से महज 15% ही बच पाते हैं। कोआला। जैसे पांडा की पहचान चीन से है, वैसे कोआला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं। आप इस खूबसूरत जानवर को दुनिया के और किसी कोने में नहीं देख पाएंगे। देखिए कैसे टेडी बियर की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनके बेबी से मिलवाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनका बच्चा भी बहुत कमजोर पैदा होता है, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि ये पैदा होने के बाद से ही अपनी माँ के साथ रहते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कंगारू के बच्चे अपनी माँ के पेट में छिपे रहते हैं, वैसे ही कोआला के बच्चे भी अपनी माँ के पेट से चिपका रहता है। दोस्तों, जब ये पैदा होते हैं तो इसके 5 से 6 हफ्ते बाद पहली बार अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं और ये पहली बार जमीन पर अपने पांव रखते हैं और 9 से 10 महीने के हो जाने के बाद माँ के साथ घूमने फिरने लगते हैं। दोस्तों, 1 साल के होने के बाद ये भी कोआला की तरह पेड़ पर चढ़ने से लेकर काम करने लग जाते हैं, जिनकी उम्मीद इनसे की जाती है। देखिए कैसे लग रहे थे बचपन में और अब। जिराफ। दोस्तों, जिराफ एक लंबी गर्दन वाला बड़ा जानवर है। इनको देखकर शायद आपको लगता होगा कि इनके बच्चे भी बहुत बड़े पैदा होते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, जिराफ के बच्चे एक तो एवरेज हाइट के पैदा होते हैं, दूसरी बात यह है पैदा होने के कुछ देर बाद तक इनके बच्चे पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। देखिए बच्चा बार बार खड़ा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये खड़े ही नहीं बल्कि भागने भी लग जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि जिराफ की प्रेगनेंसी 400 से 450 दिन तक होती है। बाकी जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अपना ख्याल रखना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिराफ के बच्चे हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। इन्हें अपने पापा के साथ वक्त बिताने का कोई शौक नहीं होता। तभी कहा जाता है कि बेबी जिराफ को बड़ा करने में और सारी चीजें सिखाने में सिर्फ उनकी माँ की अहम भूमिका रहती है। अल्पाका। दोस्तों, ये जानवर दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, इनके बच्चे उनसे भी ज्यादा क्यूट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, आपने बेबी अल्पाका को देख लिया तो आप खुश हो जाएंगे। इनकी प्रेगनेंसी लगभग 2 महीने की होती है और 8 से 9 हफ्ते के बाद इनके खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। आपको बता दूं कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ देख भी नहीं पाते हैं पैदा होने के कुछ देर बाद, लेकिन कहा जाता है कि 2 से 3 दिन बाद ये बच्चे अपनी माँ के साथ घूमने निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते के बाद अपने खाने का खुद ही बंदोबस्त कर लेते हैं। दोस्तों,
तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं और शरीर से बहुत फुर्तीले होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।